सो हाय फ्रेंड केम छो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी नो कॉस्ट यानी कि जीरो बजट में डेकर आइडिया और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो आप अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बना सकते हैं, और नहीं बनाना तो इसी तरह आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो है आपके घर में ही पड़ी है, हमें थोड़ा सा ही आइडिया अपनाना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी है, और इससे क्या होगा कि आप के घर में जो भी चीज़ें हैं उसका भी रीयूज़ हो जाएगा और आपको बाहर से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट आइडिया है डेकर रिलेटेड कि आप देख सकते हो ये मेरा अलार्म है। पहले क्या था, ये स्काई ब्लू कलर का था और चलता भी था, अभी तो क्या ये टूट गया है। तो मैंने सोचा कि इसे फेंकने की बजाय इसका यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या किया, गोल्डन स्प्रे लेकर उसको चारों ओर स्प्रे कर दिया और एक जो है होम डेकर की तरह उसको यूज़ किया, और जो भी मैंने सेल्फ लगी थी उसके अंदर इसको रख दिया। तो आप देख सकते हो कि एकदम ही इजी है। तो अब बात करते हैं किचन रिलेटेड। तो आप देख सकते हो मेरे ड्रॉवर में जो है मेडिसिन थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, तो साइड में आप ब्लू कलर का एक कंटेनर देख सकते हो कि इसमें ज़्यादातर मशरूम या कोई भी फ्रूट्स आते हैं, बेरीज वगैरह। तो मैंने क्या किया कि एक के ऊपर एक को ग्लू गन से चिपका दिया, तो क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया और देखने में भी अच्छा लगने लगा और सारी चीज़ें मेरी सेपरेट सेपरेट रहने लगी। आप देख सकते हो कि अलग अलग मैंने सेलो टेप्स एक में रखी है, एक में जो सैनिटाइज़र की बॉटल्स थी वो मैंने ऑर्गेनाइज की है। तो क्या हुआ कि सारी ही अलग अलग कंपार्टमेंट में रहने लगी, तो विजिबल भी रहने लगी और हमें जब चाहिए तब मिलने भी लगी। तो इसी तरह आप इस कंटेनर को फेंकने की बजाय थोड़ा सा सोच के फिर इसका रीयूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको खाली आइडिया दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसको जो है बनाया था, बस आपको एक के ऊपर एक खाली जो एजिस वाला भाग है वो लगा देना है, ग्लू गन से स्टिक कर देना है और आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपको ये आपकी वैनिटी में लगाना हो या कोई भी जगह पर लगाना हो लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पीसी है, प्रिंटर है, ये चार्जर का प्लग है, तो बहुत सारे जो इस टेबल पर केबल्स रहते हैं। तो क्या होता है कि सबको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है और वो थोड़ा मेसी भी लगता है। तो ये ड्रॉअर मेरा जो था एक टेबल का था, तो वो टेबल थोड़ा टूट गया था तो मैंने उसको थ्रो कर दिया, तो ये सारे ही जो ड्रॉअर थे वो अच्छे थे, तो मैंने इसका इस तरह से यूज़ कर दिया। सारे ही केबल्स या बैटरीज वगैरह इसमें जो है इंसर्ट कर दी, तो क्या हुआ कि ये जगह मेरी अच्छी क्लीन सी साफ़ सुथरी दिखने लगी, मेसी नहीं दिखने लगी। इसी तरह ये भी एक ड्रॉअर इसी तरह था, तो मैंने इसमें भी था थोड़ी बहुत जो बुक्स पड़ी रहती है वो लगा दी, और जो है मैंने सेंटर टेबल के नीचे स्पेस थी उसमें इस बॉक्स को रखा है। तो आप इसी तरह चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ ये है कि ये कार्डबोर्ड के हम जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस लेते हैं तो बहुत सारे कार्डबोर्ड के ये बॉक्सेस पड़े रहते हैं, तो मैंने क्या किया सेलो टेप से इसको थोड़ा सा अच्छे से टाइट अप कर दिया, तो क्या होगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैंने इसमें सारे ही जो बिस्लेरीज वगैरह थी या प्रातिके टॉयज वगैरह था वो सब अरेंज कर दिया। और ये मेरे पास एक पता नहीं ये प्लास्टिक का बॉक्स पड़ा था, दो थे इस तरह के, तो एक में मैंने इस तरह से मेरी सारी जो भी वॉचेस थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, तो क्या हुआ कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो विजिबल भी रहता है और क्या है लेने में भी आसानी रहती है। तो दूसरा जो भी मेरे पास इस तरह का बॉक्स था उसमें मैंने सारे ही जो स्पेक्स थे वो मैंने इसमें रख दिए, तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र एक तरह का बन गया।
और नेक्स्ट है कि आप देख सकते हो इस तरह से मैंने मंदिर बनाया हुआ है। तो क्योंकि प्राति छोटी थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर मंदिर रखा है। तो ये देख सकते हो ये थर्मोकोल का एक जो है शायद कोई ब्लेंडर वगैरह में आया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया। तो वो थर्मोकोल की जो सीट थी वो भी मेरी यूज़ हो गई। और इसी तरह मेरे पास वुडन का पीस पड़ा हुआ था तो नीचे इस तरह से मैंने लगा दिया है, तो एक अच्छा सा मंदिर मेरा क्रिएट हो गया। और नेक्स्ट है कि ये सारी ही जो जार्स है ग्लास की वो सारी ही कॉफ़ी में आई थी। तो क्या है कि उसको फेंकने का भी मन नहीं करता और एयर टाइट रहती है, तो हमारे सारे स्पाइस वगैरह जो भी दाल वगैरह है वो आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सभी की कैप का कलर करके एक जैसी भी बना सकते हो, या इसी तरह आपको यूज़ करनी हो तो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एक ग्लास पड़ा हुआ था जो मैंने DIY में यूज़ किया था, और इसमें भाग्य ने ग्लास पेंटिंग भी की है। और इसके जो भी सिमिलर ग्लासेस थे वो टूट गए थे, एक ही बचा था, तो मैंने इसमें सारे ही फिल्स लगा दिए हैं। फिल्स मीन्स के यहाँ पर UAE में जो कॉइन्स आते हैं उसको मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। तो क्या है कि एक जगह पर पड़े हो तो मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है ये कि जो हैंड वॉश का बोतल है वो पहले इस तरह की थी, तो मैंने स्टिकर निकाल दिया उसका और ग्लू गन से थोड़ी सी पैटर्न बना दी, और फिर क्या था अंदर कलर गोल्डन कर दिया, और साइड में जो एजिस थे बने हुए थे इसमें थोड़ा सा मैंने रेड कलर का टचअप दे दिया। और उसकी जो केप है वो पहली मेरे ग्लास की जार थी उसकी है, वो जो ग्लास की थी तो टूट गई, तो ये प्लास्टिक की थी। तो इसी तरह आप DIY करके एक जो है पुराने चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और नया बना सकते हो। और ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर ज़्यादातर UAE में जब भी रमादान या कुछ आता है तो इस तरह से मिल्क के कंटेनर के साथ इस तरह के मग्स आते हैं। तो मैंने जो भी गेस्ट आते हैं तब भी जो स्पून यूज़ होती है, फोर्क वगैरह यूज़ होता है, उसको रखने के लिए इसको यूज़ किया है। ये मेरा जो है स्पून होल्डर ही था, तो ये स्टील का था, तो उसमें क्या पानी लगने के कारण जंक लग गया था, तो मैंने इसमें कलर कर दिया है। और अब मैं इसको एज ए कैंडल होल्डर यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह आप घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ करके घर को सजा भी सकते हैं और घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। तो आप इसी तरह देख सकते हो कि कितनी अच्छी जो है ये कैंडल्स लग रही है। और ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है, तो आप देख सकते हो साइड में एक बॉक्सेस पड़ा हुआ है, तो ये टेक अवे फूड कंटेनर था, तो मैंने ऊपर की लीड निकाल दी और जो भी मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट थे जो मुझे डेली यूज़ में आते हैं इसीलिए मैंने इसको इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया। तो क्या होता है कि हमें चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ती और देखने में भी अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज रहती है, तो हमें भी अंदर से जो है खुशी रहती है। तो बस यही है आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें से कोई भी आइडिया आपको आगे जाके यूज़फुल लगेगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। Thanks for watching.